गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज वर्क एक बूंद नामक कविता का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा और चैप्टर पर आधारित एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रुतलेख उच्चारण, सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, श्रुतलेख डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण। ज्यों बूंद, अंगारा, समुंदर, अनमणि। मौखिक प्रश्न, बूंद कहाँ से निकली, बूंद क्या सोच रही थी और बूंद के मन में किस बात का डर था, तो इत्यादि जो है आप लोग चैप्टर अच्छे से वाच किए हैं, वीडियो वाच किए हैं, तो इसका आंसर मीटिंग में आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये होमवर्क है आप लोग। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त किए गए हैं। लोग नाहक ही आगे बढ़ने में डरते झिझकते हैं, जबकि बूंद की तरह उनके भाग्य को कुछ और ही मंजूर होता है। तो कविता की मूल पंक्ति में क्या पढ़े बच्चों, इसलिए लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लाओ कुछ और ही देता है कर, ये जो है पंक्ति है ना। नेक्स्ट है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बूंद का घर कौन था, तो बादल था कि सीप था, तो बादल। घर से निकलते समय बूंद दुविधा में थी, प्रसन्न थी तो दुविधा में थी। बूंद को समुद्र की ओर कौन बहा लाया, तो बूंद की ओर समुद्र की ओर हवा बहा ले आया। बूंद क्या बन गई, तो बूंद सीप बन गई कि मोती, तो मोती बन गई। नेक्स्ट है, पाठ बोध पाठ पर आधारित प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न। बूंद ने अपना घर किसे कहा है, तो बूंद ने बादल को अपना घर कहा है ना बच्चों। बूंद को किस बात का डर था, तो बूंद को इस बात का डर था कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या बदा है, वह बचेगी या धूल में मिल जाएगी या कमल के फूल में चू पड़ेगी। बूंद कहाँ गिरी और क्या बन गई, तो बूंद कहाँ गिरी बच्चों, सीप में गिरी और मोती बन गई। नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को उत्तर में आप लोगों को नोटबुक वर्क सेंड किया हूँ बच्चों, किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट कर लीजिएगा। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये आप लोग का होमवर्क है, बुक वर्क है ना, इसको आप लोग कविता की पंक्तियों को कविता से पूरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्याख्या परक प्रश्न। तो व्याख्या परक प्रश्न में सप्रसंग व्याख्या करना है बच्चों, आप लोग मिस्टेक करते हो क्या एग्जाम में, इस सप्रसंग व्याख्या लिखिए, उसमें आप प्रसंग संदर्भ में पूर्ववत लिख देते हो, एग्जाम में लिखे थे ना, ऐसा नहीं करना है। संदर्भ मीन्स क्या है, कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, उसके कवि कौन है, ये होता है संदर्भ प्रश्न। तो आप लोग इसको छोड़ देते हो, इसको छोड़ना नहीं है, है ना, कुछ बच्चे छोड़ दिए थे। तो कैसे लिखना है संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ अयोध्या से उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित एक बूंद कविता से ली गई हैं। अब इसका प्रसंग में हो जाएगा, तो प्रसंग में क्या लिखना है, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लाओ कुछ और ही देता है कर, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ने के बाद डरना झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये प्रसंग में के संदर्भ में कहा गया है कि हमें अपने मंजिल की ओर हमेशा बिना डरे हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर व्याख्या में इसका व्याख्या करोगे आप लोग, तो व्याख्या में क्या कहते हैं हरिओद जी, कहते हैं कि लोग घर को छोड़ते समय सोचते हैं झिझकते हैं, उनकी स्थिति आसमान में स्थित बूंद की तरह होती है, इसकी तरह बूंद की तरह होती है, अंततः उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है, किंतु उनके द्वारा छोड़ने का निर्णय सही है या गलत, तभी उनके निर्णय की सार्थकता है, तभी उनके इस निर्णय की सार्थकता है, अर्थात हमें जो है बूंद लव कुछ और ही देता है कर, वो तो बाद में पता चलता है क्या है, लेकिन जब हम उस रास्ते पर अडिग रूप से चलते हैं तभी हमें सफलता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मूल्य आधारित प्रश्न। रिद्धि को मंच पर भाषण देना था, किंतु वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी, आप रिद्धि का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, 5 से 6 वाक्यों में अपना उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये होमवर्क है, आप लोग मीटिंग में बताइएगा। ओके, बह गई उस काल एक ऐसी हवा
वह समुंदर और आयन बनी। बूंद एक सीपी के खुले मुंह में गिर पड़ी और मोती बन गई। यदि हवा उसे किसी प्यासी चिड़िया की खुली चोंच में गिरा देती तो बूंद अपने भाग्य के बारे में क्या सोचती, इसको भी आप लोग मीटिंग में बताइएगा और डिस्कस करेंगे। ओके, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो बादल को और क्या बोलते हैं, जलधर, घन, जलद। घर को क्या बोलते हैं, आवास, गृह, निकेतन। कमल को राजीव, पंकज, नीरज। हवा को वायु, पवन, समीर। समुद्र को उदधि, सागर, समुद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव के बारे में आप लोगों को हिंदी ग्रामर में मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, है ना। समुद्र, समुद्र। मोती, मुक्ता। घर, गृह। भाग, भाग्य। आग, अग्नि। हाथ, हस्त। आंख, चक्षु। किवाड़, कपाट। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उपयुक्त विशेष्य के सामने लिखिए। विशेषण और विशेष्य के बारे में भी वीडियो आप लोगों को सेंड किया था, वॉच करिएगा। सीप, तो सीप की विशेषता क्या, सुंदर। सीप विशेष्य है और विशेषण सुंदर, सुंदर सीप। मोती, चमकदार मोती। लोग, परेशान लोग। बूंद, एक बूंद। घर, हवादार घर। भाग्य, अच्छा घर, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, क्रियाकलाप में दिया हुआ है बातों बातों में। आपको किन किन बातों से डर लगता है, मन में विचार कीजिए और साथियों से इस विषय में चर्चा कीजिए। आपका डर कैसे दूर हो सकता है, इस विषय पर उनसे सुझाव भी मांगिए। तो ये क्रियाकलाप है, इसको आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करेंगे। अपठित काव्यांश दिया हुआ है, नीचे लिखे, नीचे दिया गया काव्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से फुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा चुतली धाग तागा। ले जाती जो कुछ पाती, ले जाती वह मुंह में दाबे कोटर रख रख आती। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर भगाती। चितड़े गुदड़े सुतली धागे सबको अंदर फैलाकर काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। फिर जब उसके बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लूरी उन्हें सुनाएगी। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मेहनती गिलहरी, किसके बारे में बताया गया है, गिलहरी के मेहनत के बारे में, इसलिए मेहनती गिलहरी। गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है, तो पेड़ पर। गिलहरी क्या देखकर प्रसन्न है, तो बड़ा सामान। देख बड़ा सामान इकट्ठा किलक किलक कर भगाती, तो बड़ा सामान। चिथड़ा गुदड़ा का अर्थ बताइए, रद्दी कपड़ों की कतरन, उसे चिथड़ा गुदड़ा बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग का एक्सरसाइज वर्क हो गया। इस में यदि किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।